युवा राजद का 2 दिवसीय आयोजन पटना में चल रहा है। मंगलवार को युवा राजद के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक राजद कार्यालय में होगी। इससे पहले सोमवार को युवा राजद के जिला अध्यक्षों की बैठक राजद कार्यालय में हुई थी। बताते चले कि राजद इन दिनों पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज पंचायत स्तर तक खड़ी करने में लगी हुई है। पार्टी ने इसके लिए 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। युवा राजद की बैठक में 10 लाख नए लोगों को राजद से जोड़ने का लक्ष्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करने का रखा गया है। 30 जून तक युवा राजद को यह लक्ष्य हासिल कर लेना है। यह लक्ष्य कैसे पूरा करना होगा, इसकी रणनीति पर विस्तार से युवा राजद की 2 दिवसीय बैठक में बात हो रही है। इसमें पहले से चल रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की गई। युवा राजद के जिला अध्यक्षों, प्रधान महासचिव आदि को इस पर फोकस करने का पाठ राजद के वरिष्ठ नेता पढ़ा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर हैं, इसलिए वे समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने संबोधित किया। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब, प्रवक्ता अरुण यादव आदि कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।